तो भैया कान ये कानपुर जैसा लखनऊ में भी ट्रैफिक एकदम काट देना ये हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आई एम सो सॉरी, मैंने कई टाइम से आपको वीडियोस नहीं दिए यूट्यूब पे। मैं कई टाइम से काम नहीं कर पाया अपने चैनल पे क्योंकि मैं कुछ वर्क थे पर्सनल जिसमें मैं बिजी था। सो अभी मेरे वीडियोस कंटिन्यू आएंगे, आपको व्लॉग्स अपने शेयर करता रहूंगा। सो फाइनली आज मैं जा रहा हूँ लखनऊ के लुलू मॉल, वहाँ से शॉपिंग करनी है कुछ मुझे और कजिन को। सो देखते हैं वहाँ का क्या एक्सपीरियंस है, क्या चीज़ें हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फेमस मॉल है और लखनऊ में भी एक अच्छा खासा फेमस हो गया है क्योंकि बहुत सारी इसकी जो आपको सर्विसेज हैं वो आपको एक ही मॉल में मिल जाएंगी। सो चलते हैं, अभी मैं निकलता हूँ, फिर आगे एक घंटे का ट्रैवल है तो आपको सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। सो बने रहिएगा मेरे इस ब्लॉग में। Nowhere to go, so far from home. Is this what giving up feels like? I don't know. Tell me, have I lost my mind? So I break these walls and hold my head up high, and I step my ground until the day I die. As the rain falls down, there's no more tears to cry, tears to cry. So I break these walls and hold my. गंगा पुल पार कर रहे हैं जो कि कानपुर को लिंक करता है लखनऊ के लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ब्रिज है जो कि यहाँ पर है। और अभी हम जहाँ चल रहे हैं लखनऊ लुलू मॉल, वहाँ पर जाने के लिए अप्रॉक्स एक घंटे की ट्रैवल है, तो बीच में रुकेंगे थोड़ी देर के लिए। कानपुर का ट्रैफिक थोड़ा सा क्या बताऊँ आपको, पता ही है, नहीं बताना है क्योंकि लेट करता है कानपुर का ट्रैफिक। तो वहाँ से गुजर के यहाँ के बाद थोड़ा सा ट्रैफिक कम हो जाता है और आप आराम से आगे जा सकते हैं। और एक घंटे के ट्रैवल में आगे आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ढाबा पे जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था जब मैंने लखनऊ की ट्रिप करी थी, तो यहाँ पर मोस्टली जितने भी लोग होते हैं कानपुर से लखनऊ की तरफ आते हैं तो प्रोबेबली यहीं पर ही रुकते हैं, एज यू कैन सी दैट। और यहाँ से रुकने के बाद डायरेक्ट हम लुलू मॉल चलेंगे। जो है हम लखनऊ के अंदर आ चुके हैं और यहाँ देखो अब हमें जीपीएस लगाने की ज़रूरत पड़ गई है। ये देखो जीपीएस लगाने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई है क्योंकि यहाँ से है थोड़ा सा रास्ता कंफ्यूज होता है, दो रास्ते हैं, हम लोग शॉर्टकट वाला पसंद कर रहे हैं इसलिए यहाँ से हम जाना चाह रहे हैं। सो ये देखो भैया कानपुर जैसा लखनऊ में भी ट्रैफिक एकदम।
भैया फाइनली जो है हम लुलु मॉल आ चुके हैं और ये देखिए भैया पर्ची कटने लगी। सो अभी चलते हैं बाहर मॉल के लिए। काट देना ये। हम लोग लुलु मॉल के बाहर आ चुके हैं, इन भाई साहब ने काटी है हमारी पर्ची। तो अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं और ये देखिए लुलु मॉल का पूरा व्यू। तो यहाँ से काफ़ी दूर वॉक करके जाना पड़ता है। आप चाहेंगे तो गाड़ी को पार्क नीचे भी कर सकते हैं और चाहेंगे तो अगर स्पेस आपका बाहर मिल रहा है तो आप गाड़ी को पार्क बाहर भी कर सकते हैं। और नीचे के अंदर की बात बताऊँ कि 30 रुपीज़ पर हावर की पार्किंग है और बाहर आपको 40 रुपीज़ में 12 आवर की पार्किंग मिलती है। तो भाई साहब बाहर ही खड़ी रख करना सस्ता पड़ेगा। लुलु मॉल के अंदर और देखो भाई साहब कितना बड़ा मॉल है। हम जा रहे हैं कुछ क्लॉथ्स वगैरह खरीदने हैं, उसके लिए जाएंगे। पहले लुलु मॉल का एक जो आपको नज़ारा वो दिखा दें, उसके बाद आगे चलते हैं। के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर कुछ क्लॉथ्स वगैरह देखने के लिए चलते हैं और देखते हैं कैसे क्या है यहाँ। एज यू कैन सी दैट मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ बहुत सारे क्लॉथ्स वगैरह सब लगे हुए हैं और यहाँ पर आप जो है एक जो ब्रांड्स हैं उनमें ऊपर ऐसे MRP वगैरह सब लगा रखी हुई है और आप आराम से ले सकते हैं कौन सा आपको पसंद आ रहा है क्लॉथ। यहाँ इजीली अपने देख सकते हैं, देखिए विंटर्स के लिए जैकेट्स वगैरह भी हैं। सो अभी मैंने कुछ जो है क्लॉथ खरीद लिए हैं और अभी कुछ पसंद कर रहे हैं। सो अभी देखते हैं आगे कौन कौन सी चीज़ें अभी लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी कुछ ये चीज़ें खरीदी हैं और अभी बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ कहाँ पर क्या अच्छा लग रहा है। तो भैया अभी जो है हम चल चुके हैं थोड़ा सा ऊपर की ओर, क्योंकि यहाँ से मैंने जो खरीदना था वो खरीद लिया है और अभी चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। And I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep. And you know that it's all that I need. Finally, यहाँ से हम लोगों ने जो शॉपिंग करनी थी कर ली है। अब हम लोग चलते हैं आगे, जो कुछ चीजें वहाँ हैं वहाँ पर ट्राई करते हैं, देखते हैं। Don't leave me alone. ऐसा बिल्कुल अलग फीलिंग आ चुकी है आज, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद बड़े मज़े आ रहे हैं, क्योंकि यार 2 से 3 घंटे से ज़्यादा हो चुका है और यहाँ का जो एक्सपीरियंस है बिल्कुल अलग गया है। क्योंकि यहाँ जो जो चीज़ें खरीदनी थी उसके बावजूद भी आप खरीदते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स हैं और बहुत सारी वैराइटीज़ आपको मिल जाएंगी। जो भी आप देखना चाहते हैं सारी आपको वैराइटीज मिल जाएंगी। तो मज़ा आ गया गाइस लिटरली। फाइनली अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ की शॉपिंग हो चुकी है। सो अभी अगले आउटलेट पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या क्या चीज़ें फेवरेट मिली। और गाइस एक बात और बता दूँ कि आज मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आए मैं थोड़ा सा लेट आया था। सो इवनिंग हो गई है और मुझे जल्दी से घर जाना है क्योंकि कुछ वहाँ पर काम है। फाइनली हमने लुलु मॉल से शॉपिंग कर ली है और समय हो रहा है 7:10। तो अब हम निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि यहाँ से घर जाना या डेटमीन कानपुर जाना 1 घंटे का ट्रैवल है। तो चलते हैं अभी, और यहाँ बहुत मज़ा आया, बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए। तो अभी रास्ते में कुछ छोटा मोटा स्नैक्स वगैरह या फिर स्ट्रीट फूड वगैरह ट्राई करेंगे कैसा है। तो अभी यहाँ निकल रहे हैं गाइस, यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। आपको कोई भी ब्रांड आपको चाहिए यहाँ पर सारे ब्रांड आपको अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। बट आपको पूरा टाइम यहाँ पर लेके आना पड़ेगा,
क्योंकि यहाँ पर एक घंटे या दो घंटे में कुछ नहीं होने वाला। आप अगर 11 बजे मॉर्निंग में आते हैं तो आपकी एक शॉपिंग जो है एक अच्छी खासी शॉपिंग आपकी इवनिंग तक आपको लेकर चली जाएगी। तो इस बात का ख्याल रखें, आप मॉर्निंग में आए तो आपको ईजी रहेगा, शाम तक आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं, आप कितने समय भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा है मुझे कॉमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्दी। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।